एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू कुकिंग वीडियो और कुकिंग व्लॉग। तो आज मेरे मम्मी पापा दोनों लोग मिलके चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। मेरे पास इस वक्त मिट्टी का चूल्हा नहीं है क्योंकि बनाया नहीं, मतलब टाइम नहीं मिला। तो हम लोग इस वक्त तसले का यूज़ कर रहे हैं, साइड में ईंटें लगाए हैं और ऊपर लकड़ी से हम लोग आग जला रहे हैं। तो अब सबसे पहले आग जला लेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत टेस्टी खाना बनने वाला है क्योंकि चूल्हे पे या फिर इस तरह आग जाके जो खाना बनता है वो हमेशा बहुत टेस्टी बनता है। तो अब इसे देखते हैं, जल्दी जल्द सब लोग मतलब मम्मी पापा मिलकर आग जला लें और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ और मेरी भाभी हैं, वो मसाले निकाली, खड़े मसाले, पाउडर मसाले नहीं। और जो कितना निकाला है और क्या क्या निकाला है ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे और भी कुछ बनने के लिए मैरिनेट होके चिकन रखा है और चटनी रखी है ऑफकोर्स मिक्सर में, और एक कटोरे में थोड़ा सा कोई पेस्ट रखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि क्या है वो। तो मेरी भाभी जल्दी जल्दी निकाल रही है, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं निकाल ली, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो तो अब ऑलमोस्ट सारे मसाले निकल चुके हैं कि ये लास्ट था। और अब हम ये सारे सारे मसालों को ऐसे अपने हाथों में, मतलब हाथों में उठाएंगे, जो प्लेट रखा है प्लेट को उठाएंगे और फिर लेके जाएंगे मम्मी पापा के पास, जो लोग बाहर बालकनी में बैठे हैं। तो मैंने उठाया ये प्लेट और अब मैं जा रही हूँ बल खाते हुए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आग जल चुकी है, मसाला पाउडर मेरे चेक कर चुका है और उसमें जो ज़्यादा कम करना है वो कर दिए हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो है वो एकदम एग्जैक्ट है। तो अब कढ़ाई भी रख दी है हम लोग ने उस पर अच्छे से सेट करके। तो आप लोग जब ऐसे बनाया तो केयरफुल रहें। और इस वक्त जो ऑयल है मम्मी डाल ली है मेरी, वो है सरसों का तेल। आप चाहें तो फॉर्चून यूज़ कर सकते हैं, हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं जो है 100 ग्राम। तो इसको आप इसमें डाल दें जब आपका जो बर्तन है, जो कढ़ाई ली है जिसमें भी आपको बनाना है, वो गर्म हो जाए। तो चेक करने के लिए कि तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं, आप उसमें छोटा टमाटर का टुकड़ा, फिर छोटा सा प्याज का टुकड़ा, मतलब जो हम लोग काट के रखे रहते हैं, आप वो डाल के चेक कर सकते हैं। तो तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, वे हम लोग ने मतलब मेरे मम्मी पापा ने चेक किया था। और अब इसमें डाल रहे हैं कटे हुए टमाटर, बारीक, जैसे बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये 2 टमाटर है, आप चाहे तो उसको थोड़ा सा 3 टमाटर भी ले सकती हैं, लेकिन ये आपके चिकन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, जो कि हम लोग का 1.5 kg चिकन है तो इसमें हम लोग 2 टमाटर डाल लें। और अगर आप जैसे कि 2 kg बनाते हैं तो आप उसमें 2.5 डालेंगे, हाफ हाफ आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे, मतलब हल्का सा उसी में भूजेंगे अच्छे से।
अब टमाटर एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो कि है 100 ग्राम। ये हम लोग ने घर में बनाया है, आप चाहें तो जो बाहर मार्केट से पैकेट मिलता है वो भी लेके यूज़ कर सकते हैं। इसको एकदम अच्छे से सारा डाल के मिक्स कर दें। आप चाहे तो इसको थोड़ी देर रुक रुक के भी डाल सकते हैं, एक साथ सारा अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप पहले आधा डाल दीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर बाकी बचा हुआ डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। तो अब इसको इतना डाल दिया सारा और अब इसे मिक्स करेंगे। तो अभी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम लोग इसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। हमने कौन सा मसाला कितना लिया है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। और इसको डाल के हम लोग एकदम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे, तो फिर इसको मतलब उसके साथ अब भूजेंगे हम लोग। मिक्स क्या करेंगे, इसे हम लोग उसके साथ भूजेंगे। अभी एकदम अच्छे से भुजा चुका है, अब हम लोग इसमें चिकन डालेंगे जो हम लोग ने पहले ही धो के रख लिया था। इसको डालेंगे, पहले इसको 2 मिनट लिए स्प्रेड कर देंगे और 2 मिनट बाद फिर हम लोग इसे अपने मसाले के साथ मिक्स करना शुरू करेंगे। आराम आराम से, ज़्यादा जल्दी जल्दी मत करिएगा वरना जो गर्म गर्म मसाला है वो आपके हाथ पर भी आ सकता है। तो अभी हम लोग इसे प्यार से मिक्स करते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टीम में तो इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छी तरह से चिकन भुजा चुका है। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अनियन पेस्ट, मतलब प्याज का पेस्ट, पिसे हुए प्याज का पेस्ट जो कि है 1/2 किलो। आप लोग देख सकते हैं एकदम एकदम
मतलब वो स्मूथ पेस्ट है, इसमें कोई भी प्याज के छोटे मोटे टुकड़े नहीं है, तो इसको पूरा डाल दीजिए और इसको भी उसमें प्याज से मिक्स करिए। चिकन में प्याज का पेस्ट मिक्स करने के बाद अब हम लोग उसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह से नमक डाल के मिलाने के बाद अब हम लोग इसमें डालेंगे एवरेस्ट मीट मसाला जो है 20 ग्राम। ये आप चाहें तो मार्केट से पैकेट्स मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, और जो बॉक्स मिलता है इसका 50 ग्राम का, वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को ज़रूरत है सिर्फ 20 ग्राम की। तो इसमें हम लोग 20 ग्राम एवरेस्ट मीट मसाला डाल देंगे एकदम अच्छे से और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो आप लोग अभी देख सकते हैं जब इसमें मीट मसाला मिक्स हो गया है, ये अभी कितना अच्छा दिख रहा है। स्मोक की वजह से इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें अभी वो अच्छा वाला कलर आ चुका है। तो एकदम इसको अच्छे से चलाइए और आग से बचिए, क्योंकि आग फ्लेम्स काफ़ी तेज़ होती हैं इसी वजह से। और जब इसको अच्छे से आप जब मिक्स कर लें, इसको 2 मिनट भूनने के बाद आप इस पे उसे ढक्कन लगा दीजिए, इसका लिड क्लोज कर दीजिए 5 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए नहीं, वरना फिर जो चिकन है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक 5 मिनट बाद कैसा लग रहा है। इसको दोबारा चेक करने के बाद फिर से इस पर लिड लगा दिया गया है। और ऑफ कोर्स ये मैं हूँ, मैं बाहर बैठी थी, इस वजह से मैं बीमार पड़ गई और मैं उसी वक्त में आग सेक रही थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे बीमार पड़ गई। और इस फेट तो अब आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छे से, ये एकदम अच्छी तरह से बुझा गए हैं सारे मसाले, एकदम चिकन में मतलब मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग को इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं और लास्ट स्टेप है पानी ऐड करना। पानी आप लोग उतना ही ऐड करेंगे जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितनी तो फिर अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप ज़्यादा पानी डालिए, आपको थिक ग्रेवी चाहिए आप थोड़ा पानी डालिए मीडियम लेवल पे, और उसको उसमें थोड़ी देर मिक्स होने के लिए मतलब बॉईल आने के लिए 2-3 बार उसमें अच्छे से बॉईल आ जाए तब तक का वेट करिए। तो अब हम लोग इसमें धीरे धीरे पानी मिलाएंगे, एक बैड आपको सारा पानी इसमें नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और मिक्स करते रहना है, ताकि जो पानी है वो मतलब आपके ग्रेवी में मिक्स होता रहे, ये ना हो कि वो अलग अलग सा लगने लगे। तो एक बैग नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अच्छे से उसको चलाते रहना है।
पानी डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसका लिड फिर से क्लोज कर देंगे कुछ देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 8 मिनट के लिए। और फिर हम लोग इसका लिड खोल के देखेंगे तो आप फिर उसके हिसाब से, अपने आप थिकनेस के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अब मतलब मम्मी ने लिड खोल दिया, आप देख सकते हैं अभी इसकी जो ग्रेवी है ये अभी काफ़ी पतली है, ये हम लोग को जो कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी नहीं है। तो हम लोग इसका फिर से लिड क्लोज कर देंगे। हम लोग ने इसे इसलिए चेक किया क्योंकि कभी कभी जब आँच तेज़ हो जाती है आप नहीं समझ पाते, जो चिकन है वो नीचे कढ़ाई में पकड़ लेता है इसी वजह से। पाँच मिनट बाद हम लोग का चिकन एकदम अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं और कढ़ाई को उतार भी दिया गया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा तैयार हुआ है। मम्मी इसमें धनिया मिला रही हैं, पापा मिक्स कर रहे हैं और इट्स लुक सुपर यम्मी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।